अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोहम्मद सिराज खान मेरा नाम है। मैं शहर गुलबर्गा, डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका, स्टेट ऑफ इंडिया, अल सईद टूर एंड ट्रैवल्स से उमरा के सफ़र के लिए निकला हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सफ़र गुलबर्गा से हैदराबाद, शमशाबाद एयरपोर्ट, शमशाबाद से जिद्दा एयरपोर्ट, जिद्दा से मक्का शरीफ, मक्का के तमाम होटल खरीब थी हमारी। हम हैदराबाद के एयरपोर्ट से ही एहराम बांध के उमरा की नियत करके निकले हुए थे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ जो ग्रुप था 50 या 55 अफराद का ग्रुप था, ये माशाल्लाह सभी अफराद अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से सभी इत्मीनान बख्श थे। अल्हम्दुलिल्लाह हम मक्का जो सफ़र हमारा शुरू हुआ उमरा के बाद, होटल हमारी बिल्कुल हरम शरीफ से 200 मीटर करीब में थी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से उमरा के तमाम अरकान अदा किए गए। उसके साथ ही उमरा के अरकान के बाद तमाम ज़ियारतें, अंदरूनी बैरूनी ज़ियारतें भी की गई। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल हुआ कि अल्लाह ताला ने हम जैसे लोगों को, कमज़ोर लोगों को उमरा के लिए इनामत दिया। ये अल्लाह ताला का बड़ा फजल व करम है। अल्लाह ताला जिसको चाहते हैं उन्हीं को अपने घर बुला लेते हैं। अल्लाह ताला बड़े रहम व करीम हैं। जो अल्लाह की तड़प रखते हैं, अल्लाह के घर की ज़ियारत की तड़प रखते हैं, अल्लाह ताला उन्हीं को पसंद करते हैं और अपने घर की हाज़िरी दिलाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से हमारे जो अल सईद टूरल ट्रांसफर सेंटर वाले हैं उनके तरफ से कोई परेशानी की बात तो ऐसी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह खाने की, पीने की, रहने की और कोई ऐसी तकलीफ ही नहीं हुई अल्हम्दुलिल्लाह। या हम घर में हैं, सफ़र में हैं, कोई महसूस नहीं हो रहा था। रहने का इंतज़ाम बहुत अच्छा था, खाने का इंतज़ाम अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा था। मक्के के ज़ियारतें पूरे अच्छे थे अल्हम्दुलिल्लाह, और ताइफ के ज़ियारत वगैरह भी हो गई। वहाँ से हमारा अल्हम्दुलिल्लाह फजल से वहाँ से उमरा भी हुआ। उसके बाद वहाँ से मक्का से हम मदीना तशरीफ़ लाए हैं। मदीने में भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे को बिल्कुल मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े के करीब ही हमारी होटल है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ अल्लाह के फजल करम से यहाँ भी तमाम ज़ियारतें वो अल्हम्दुलिल्लाह हो गए हैं। बदर की भी ज़ियारत करवाई, की भी ज़ियारत हुई है मक्का मुकरमा से मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाते वक्त। उसके बाद यहाँ पे मदीना मुनव्वरा में बिल्कुल मस्जिद नबी के करीब में हमको बिल्कुल ऐसा लगता है कि हम मस्जिद से होटल से बाहर निकले तो सीधा सीधा मस्जिद में नबी में दाखिल हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आगे जो हज उम्र अदा करना चाहते हैं उनके लिए आप क्या पैगाम देंगे? मतलब आगे जो हजरात, हमारी तो दिल से ये दुआ है कि भाई अल्लाह ताला इस इदारे को जो अल सईद टूर एंड ट्रैवल है अल्लाह ताला इसको हजारों साल बाकी रखे इंशाल्लाह। और आने वाले लोग, आने वाले लोगों से मैं अपील करता हूँ कि भाई उमरा या हज के लिए अल सईद टूर्स एंड ट्रैवल से आप बिना कोई शक गुंजाइश के अपना फॉर्म दाखिल कर सकते हैं। यहाँ इतनी सहूलत है, आपको अगर कोई बुखार रही तो सिर में दर्द की गोली लेना रहा तो बाहर जाके आपको 200 रियाल खर्च करना पड़ेगा। आपको यहाँ पे है ना दवाई की सहूलत है, बुखार की तो दवाई ज़रूरत है। अगर आपको जो भी तकलीफ है तो उनके पास दवाएँ हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा कोई भी इदारे में नहीं है ऐसा इंतज़ाम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल है कि भाई ताहिर भाई और उनके भतीजे को अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे।